आज हम लोग इंग्लिश के क्लास में द को डिस्कस करेंगे। हम कभी द को दी बोलते हैं, कभी द बोलते हैं टी एच ई को। तो आज हम लोग उसके साउंड को डिस्कस करेंगे। अक्सर हमको कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको द बोलें या दी बोलें, और अगर दोनों भी बोलते हैं तो ठीक है, बट बीइंग ए स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको सही फॉर्म में समझें। तो मैं आज वही बताने जा रहा हूँ टी एच ई के बारे में। टी एच ई, अब इसको हम लोग आर्टिकल्स में पढ़ते ही हैं। आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर इसका दूसरा मामला है। जैसे कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, और ये जो है चीज़ों को, किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक करता है। लाइक सन एक ही है, तो वो द सन हम बोलते हैं ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए, मुअय्यन हो जाए, खास हो जाए, विशिष्ट हो जाए। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके साउंड पर कि हम इसको कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और आई होप कि ये हेल्पफुल होगा। तो अभी हम इसके बारे में पहले हमने बात कर ली कि ये आर्टिकल वाले चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। हम यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं। अब साउंड में कुछ मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बैट, बॉल, पेन, ऑक्स, एप्पल। अब यहां से अगर मैं आपको समझाऊं कि जब भी, अब देखिए इसमें बी से शुरू हो रहा है, पी से, ओ से, ए से, तो याद रखें जब भी किसी भी वर्ड का साउंड, जो प्रोनाउंसिएशन, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर वो शुरू में ही कॉन्सोनेंट है, पहला जो हर्फ होगा, पहला जो लेटर होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके पहले जब इसको लिखेंगे तो हम इसको द साउंड करेंगे, द ना कि दी। और जैसे बैट है तो हमें द साउंड करेंगे, द बैट, द बॉल, द पेन। लेकिन जैसे ही वॉवल साउंड, वॉवल आएगा, तो हम इसको दी करना शुरू करेंगे। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जब भी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू करेंगे, हम कॉन्सोनेंट से शुरू होगा भी कोई भी वर्ड, तो हम उसको कहेंगे द, और जब भी वॉवल से शुरू होगा तो हम कहेंगे दी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पहला रूल है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इसका दूसरा केस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा रूल ये है कि जब भी हम चीजों को एम्फेसाइज करेंगे, एम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, जैसे दिस इज द पेन दैट आई वॉन्ट या आई नीड। ठीक है, अगर मैं किसी चीज पे जोर डालूं, मुझे यही पेन चाहिए, यही, तो मैं यहां पर भी इस टी एच ई को दी बोलूंगा ना कि बोलूंगा। तो हमने दोनों तरह से ही देख लिया, एक तो जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तब हम कहेंगे द, और जब हम वॉवेल से शुरू करेंगे तो वो वहां पे हम उसको दी बोलेंगे। दूसरा, जब हम किसी भी सेंटेंस में जब हम एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां पर हमें कॉन्सोनेंट वॉवेल से मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं पेन,
पेन में पी जो है कॉन्सोनेंट है, बट स्टिल हम इसमें इसको दी साउंड करेंगे। आई होप ये क्लियर हो। थैंक यू।